कोरोना वायरस से हम सब वाकिफ हैं और ये इतने जल्दी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ ही रहने वाला है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, जैसे कि मैं हरियाणा से ही हूँ, तो यहाँ पे हर रोज़ के केस पाए जा रहे हैं। हमारे पास पड़ोस में ही बाहर जाने पे डर लग रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या क्या करें जिससे कि हम इस वायरस से बचे रहें। तो आपको करना क्या, आपको पता ही है, जब भी आप बाहर जाते हैं मास्क लगा के जाना है, हैंड को सैनिटाइज करना है, बार बार हैंड वॉश करना है, बच्चों को भी ऐसे ही करवाना है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो बाहर की चीज़ों को छूना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छूना ही पड़ता है, जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं, और उनमें फल, सब्जियां, फ्रूट, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल पाता है। हमें सब्जियां भी चाहिए होती हैं, हमें फ्रूट भी चाहिए होते हैं, और हरियाणा में वायरस जो है वो सब्जी फ्रूट के थ्रू आया है, जितना मैंने लोगों से सुना है। तो बहुत सारे लोग इसी डर में क्या करते हैं, सब्जियों को क्या करते हैं कि डिटर्जेंट से धोते हैं, ब्लीचिंग एजेंट से धोते हैं, डिटॉल से धोते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि ये वायरस का मतलब कि निकल जाए। वायरस तो निकल जाएगा शायद शायद, लेकिन आपको पता है सब्जियों के अंदर है ना पोर होते हैं, जैसे हमारे स्किन में रोम छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, जो भी क्रीम वगैरह हम लगाते हैं वो अंदर तक जाती है कि नहीं जाती है। वैसे ही अगर आप सर्फ से धोएंगे, डिटर्जेंट से धोएंगे, ब्लीचिंग एजेंट से धोएंगे, किसी भी और चीज़ से धोएंगे ना, तो उनके सारे केमिकल सब्जियों के अंदर जाएंगे और वो आपके शरीर को नुकसान करेंगे। और एक वीडियो मैंने देखा था यार, यूट्यूब पर मैंने देखा था कि कोई बता रहा है कि अगर आप अपनी सब्जियों को धोना चाहते हैं, वायरस फ्री बनाना चाहते हैं, तो आप उनको वॉशिंग मशीन में डालिएगा, सर्फ डालिएगा और फिर घुमा दीजिएगा, ऐसे करने से सारा का सारा वायरस निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वायरस होता है ना, वो उसको ना तो हम आँखों से देख सकते, वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। तो आप अपनी सब्जियों को धोने का तरीका चेंज कीजिए। जब हम मुझे पता नहीं था नहीं कि सब्जियों फ्रूट को कैसे धोते हैं, तो शायद मैं भी यही तरीका अपना लेती डर डर के। लेकिन खैर मैंने ये तरीका तो नहीं अपनाया, मैं सिंपल पानी के साथ ही पहले अपनी सब्जियां धोती थी, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी चीज़ आ गई है। और हाँ, वॉशिंग मशीन में अगर आपको कुछ धोना है ना, जिस पोलोथीन में आप सब्जियाँ लेके आते हैं, सब्जियाँ निकालिए, जो भी जिसमें भी आप निकालते हैं, टब में, बर्तन में, और जो पोलोथीन होते हैं ना, उसको आप वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, ना कि सब्जियों को। सब्जियों को धोएंगे तो उसके अंदर केमिकल जाएगा। और हाँ, सब्जियों को धोने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा चीज़ लेके आई हूँ। इतनी अच्छी है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल नेचुरल है, और जितने भी केमिकल, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स आपकी सब्जियों पे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे वो ये है वो चीज़। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यूज किया हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले मैं ये बता देती हूँ कि इससे आपको अपनी सब्जियाँ कैसे धोनी है। जैसे आप सब्जियाँ लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपको रनिंग वाटर के नीचे आपको अपनी सारी सब्जियाँ धो लेनी है, ताकि उनके ऊपर जो डर्ट, मिट्टी लगी हुई है ना, वो सारी की सारी धुल जाए। अच्छे से धोनी है, रगड़ रगड़ के, रनिंग वाटर के नीचे ही आपको धोनी है, ठीक है। फिर उनको अलग से डालते रहना है पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर उनको डालते रहना है, डाल ली। उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये मेरे पास है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉशर, इसके आपको दो ढक्कन डालने हैं। दो ढक्कन डाल के आपको 2 मिनट के लिए सब्जियों को ऐसे ही छोड़ देना है। और ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, ये आपकी सब्जियों से सारे के सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, केमिकल, डर्ट, वैक्स, सब कुछ निकाल देता है, मतलब कि आपकी सब्जी को बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल प्योर बना देता है। और हाँ, इसकी एक और बात ये है कि ये 100% नेचुरल है, सेफ है, इफ़ेक्टिव है, टेस्टलेस है, और ग्लूटेन फ्री है, और इको फ्रेंडली है। अगर आप इसको यूज करेंगे ना, तो वायरस तो क्या, वायरस का बाप भी आपके अंदर नहीं जा सकेगा। अगर आप सब्जियां ले रहे हैं तो प्लीज़ सब्जियों को इस वॉशर से धो के देखिएगा, आपकी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जब आपको लगे कि आपको 2 मिनट हो गए हैं सब्जियां इसके अंदर डाले हुए, फिर आपको सब्जियां निकालनी है दोबारा, फिर से आपको रनिंग वाटर के नीचे ही सब्जियों को धोना है और उसको निकाल लेना है। बहुत अच्छा और बहुत ही ग्रेट तरीका है अपनी सब्जियों को जर्म्स फ्री बनाने का, केमिकल फ्री बनाने का। डिटर्जेंट, सोप या फिर ब्लीचिंग एजेंट, ये सब यूज मत कीजिएगा, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल 100% नेचुरल है, सेफ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि
आपके बजट में है। वायरस से बचने का एकमात्र तरीका ये भी है, जैसे हम हैंड सैनिटाइज करते हैं, अपने पूरी बॉडी को भी सैनिटाइज करते हैं जब हम बाहर से आते हैं, मास्क पहन के जाते हैं, वैसे ही आप अपनी सब्जियों को भी सैनिटाइज कीजिएगा सिर्फ इसके थ्रू। क्योंकि पहले ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हमने सुना भी नहीं था, है ना, लेकिन अब बीमारियाँ इतनी फैल गई हैं तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए ताकि आप सेफ रहें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी आप बाहर जाएं, खुद की सेफ्टी खुद रखें, इधर उधर थूकेगा मत क्योंकि थूकने से भी वायरस फैलता है। ठीक है, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में। बाय।